16 नवंबर को आप सभी लोग जानते ही होंगे कि एक ऐतिहासिक फैसला बाबरी मस्जिद का कोर्ट की ओर से आने वाला है। हम आपको इस फैसले के विपरीत परिणामों के बारे में जरूरी जानकारियां और जरूरी सावधानियां बताने वाले हैं। मेहरबानी करके आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, यह मामला अति गंभीर हो सकता है। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने देश की जनता को इस दिन सावधानी और संयम बरतने को कहा है और यहां तक कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी सभी लोगों से अपील की है कि फैसला चाहे जो भी आए, कोर्ट का फैसला आने पर उसे स्वीकार करें। यहां तक कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी हर एक राज्य के आईजी के साथ मीटिंग करना शुरू कर रखा है। दोस्तों, उस दिन पूरे देश की इंटरनेट सेवा भी ब्लॉक की जा सकती है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको यहाँ पर 5 सावधानियाँ बरतने की सलाह दे रहे हैं। नंबर 1, दोस्तों हो सके तो फैसले वाले दिन आप अपना घर या फिर आप अपना शहर ना छोड़ें। नंबर 2, दोस्तों अगर आपके घर पर कोई मेहमान ठहरा हुआ है तो आप फैसले से पहले पहले उसे अपने वतन भेजने का इंतजाम कर दें। नंबर 3, दोस्तों अपने कारोबार में ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, जितना हो सके उतना पैसा बैंक की बजाय अपने घर पर रखें। नंबर 4, आपके धंधे में जितना ऑर्डर हो उतना ही माल स्टॉक करें, साथ ही किसी अफवाहों पर ध्यान ना रखें, यानी कि अफवाहों से बचें। नंबर 5, जितना हो सके उतना अपने लोगों के साथ संपर्क में रहें, बेवजह घूमने का अगर आपका प्रोग्राम हो तो आप उसे टाल दें। दोस्तों, आप सभी लोग इस बात को तो जानते ही होंगे कि पिछले कुछ दिनों से सरकार के ही कई मंत्रियों के उत्तेजनापूर्ण भाषण आ रहे हैं कि धनतेरस के दिन बर्तनों की बजाय हथियार खरीदे। अल्लाह ने हम सभी हिंदुओं को और मुस्लिमों को इतनी अकल दी है, तो दोस्तों ऐसे लोगों की बातों में मत आना और अपने आपसी भाईचारे को इन कुछ लोगों की बातों में आकर कभी भी खराब मत करना, इसके बारे में आप जरूर सोचना। और दोस्तों, उस दिन पूरी दुनिया का ध्यान हमारे देश की कोर्ट के फैसले पर होगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा संयम रखें, अपने आप पर भी और अपने समाज पर भी। मेहरबानी करके आप 2002 के साल जैसी गफलत में मत रहना। अगर आपके घर पे शादी का प्रोग्राम हो तो आप एहतियात रखना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना।